कि राजनीतिक परिदृश्य की बात अगर आप देखें तो आज लाहौल स्पीति जो है नेतृत्वहीन है। एक तरफ तो हमारे जो माननीय विधायक थे वो अपनी सदस्यता अभी तक गंवा कर जो है होटल दर होटल भटक रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे जो मुख्य विपक्षी नेता डॉक्टर रामलाल मारकंडे जी जो मुंह बंद करके बैठे हैं, मौन धारण करके बैठे हैं। तो ऐसे समय में जब विपरीत परिस्थितियाँ हैं, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई है, रास्ते बंद हैं, लोग बीमार पड़े हैं, तो ऐसे में जब हमारे को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के लिए लाई सौगात। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम हमारी पांचवी गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे। हिमाचल सरकार का है वादा। सबसे ज़्यादा जो अपने नेतृत्व की ज़रूरत थी, इस वक्त लाहौल स्पीति जो है बिना नेतृत्व के काम कर रहा है। तो अभी जो है जो हालात बने हैं उसमें हम लोग जब मुख्यमंत्री जी से मिले थे और हमने उनसे आग्रह किया था कि जो विश्वास आपका लाहौल स्पीति की जनता के ऊपर है, जो प्यार आपका रहा है, उसको आप कंटिन्यू करें, क्योंकि एक आदमी के जो है विश्वासघात से जो है आप पूरे कम्युनिटी को जो है पूरे पूरे ज़िले को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। तो उन्होंने आश्वस्त किया है और वो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि लाहौल स्पीति की जनता जो है चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है, और सुक्कू सरकार की जो नीतियां हैं और उनके जो कार्यक्रम है उसमें पूरा विश्वास जताते हुए जो हमारे लोग अभी जो है सरकार के साथ खड़े हैं सामने आई है। उसमें तो यही देखा गया है कि विशेषकर जो रवि ठाकुर जी की अगर आप बात करेंगे, उनके अपने स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो लाहौल स्पीति की जनता के विकास के लिए उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी मेरे व्यक्तिगत काम नहीं हो रहे थे, कोई उनके पारिवारिक जो डिस्प्यूट थे उसमें मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान नहीं लिया और उनको मंत्री नहीं बनाया गया। तो उसमें कहीं ना कहीं उनका अपना निजी स्वार्थ नजर आया, जबकि विकास की आप बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे लाहौल स्पीति की जनता के साथ जुड़े हुए हैं। स्पीति में 3 दिन का प्रवास करते हैं, सीधे सीधे लोगों से मिलते हैं, केलोंग में जाकर जो है सीधे हमारी माताओं बहनों को 1500 रुपए के जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत ही लाहौल स्पीति से करते हैं। ये जो है बहुत कम देखने को मिलता है। लाहौल स्पीति बहुत ही जो है अपेक्षित जिला रहा है। तो ऐसे में अगर विश्वास की बात आप करें तो जनता को जो है उन लोगों के साथ जुड़ना होगा जो लोग उन लोगों के बीच में रहते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और जमीन से जुड़ी हुए लोगों के साथ जो है मिलकर काम करते हैं। मैं हमेशा से ये बात कहता रहा हूँ कि जब तक जो है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में धन बल बाहुबल जैसे संसाधनों का इस्तेमाल होगा तब तक जो है ये भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं रुकेगी। लेकिन ये रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं अभी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसमें बहुत सारे बदलाव भी आ रहे हैं चुनावी प्रक्रिया में, लेकिन उसमें लंबा वक्त लगेगा। पर इसको जो है जनता की तरफ से जो है सही तरीके से किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि चुनावों में किस तरह से पैसा बहाया जाता है, शराब और चिकन खूब खिलाया जाता है, कई तरह के सामान बांटे जाते हैं, रिसोर्सेज का खुला धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, और इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जो है चुनाव को प्रभावित करने की कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की कोशिश रहती है। लेकिन जब जनता जागरूक होगी, इस तरह के संसाधनों का इस्तेमाल जो है वो करने से बचेगी, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग भी सामने आएंगे जो जिनके पास संसाधन नहीं है लेकिन नेतृत्वकारी क्षमताएँ उनके अंदर भरी पड़ी हैं, तो वो जो है आने वाले समय के अंदर स्थायी नेतृत्व हमारे जनता को दे सकती हैं। कि राजनीतिक परिदृश्य की बात अगर आप देखें तो आज लाहौल स्पीति जो है नेतृत्वहीन है। एक तरफ तो हमारे जो माननीय विधायक थे वो अपनी सदस्यता अभी तक गंवा कर जो है होटल दर होटल भटक रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे जो मुख्य विपक्षी नेता डॉक्टर रामलाल मारकंडे जी जो मुंह बंद करके बैठे हैं, मौन धारण करके बैठे हैं। तो ऐसे समय में जब विपरीत परिस्थितियाँ हैं, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई है, रास्ते बंद हैं, लोग बीमार पड़े हैं, तो ऐसे में जब हमारे को सबसे ज़्यादा जो अपने नेतृत्व की ज़रूरत थी, इस वक्त लाहौल स्पीति जो है बिना नेतृत्व के काम कर रहा है। तो अभी जो है जो हालात बने हैं उसमें हम लोग जब मुख्यमंत्री जी से मिले थे और हमने उनसे आग्रह किया था कि जो विश्वास आपका लाहौल स्पीति की जनता के ऊपर है, जो प्यार आपका रहा है, उसको आप कंटिन्यू करें, क्योंकि एक आदमी के जो है विश्वासघात से जो है आप पूरे कम्युनिटी को जो है पूरे पूरे ज़िले को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। तो उन्होंने आश्वस्त किया है और वो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि लाहौल स्पीति की जनता जो है चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है, और सुक्कू सरकार की जो नीतियाँ हैं और उनके जो कार्यक्रम है उसमें पूरा विश्वास जताते हुए जो हमारे लोग अभी जो है सरकार के साथ खड़े हैं।
सामने आई है उसमें तो यही देखा गया है कि विशेषकर जो रवि ठाकुर जी की अगर आप बात करेंगे, उनके अपने स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो लाहौल स्पीति की जनता के विकास के लिए उन्होंने क्रॉस वोटिंग किए और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी मेरे व्यक्तिगत काम नहीं हो रहे थे, कोई उनके पारिवारिक जो डिस्प्यूट थे उसमें मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान नहीं लिया और उनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो उसमें कहीं ना कहीं उनका अपना निजी स्वार्थ नजर आया। जबकि विकास की आप बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे लाहौल स्पीति की जनता के साथ जुड़े हुए हैं, स्पीति में 3 दिन का प्रवास करते हैं, सीधे सीधे लोगों से मिलते हैं, केलोंग में जाकर जो है सीधे हमारी माताओं बहनों को 1500 रुपये के जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत ही लाहौल स्पीति से करते हैं। ये जो है बहुत कम देखने को मिलता है, लाहौल स्पीति बहुत ही जो है अपेक्षित जिला रहा है। तो ऐसे में अगर विश्वास की बात आप करें तो जनता को जो है उन लोगों के साथ जुड़ना होगा जो लोग उन लोगों के बीच में रहते हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और ज़मीन से जुड़ी हुए लोगों के साथ जो है मिलकर काम करते हैं। मैं हमेशा से ये बात कहता रहा हूँ कि जब तक जो है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में धन बल बाहुबल जैसे संसाधनों का इस्तेमाल होगा तब तक जो है ये भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं रुकेगी। लेकिन ये रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं अभी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसमें बहुत सारे बदलाव भी आ रहे हैं चुनावी प्रक्रिया में, लेकिन उसमें लंबा वक्त लगेगा, पर इसको जो है जनता की तरफ से जो है सही तरीके से किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि चुनावों में किस तरह से पैसा बहाया जाता है, शराब और चिकन खूब खिलाया जाता है, कई तरह के सामान बांटे जाते हैं, रिसोर्सेज का खुला धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, और इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जो है चुनाव को प्रभावित करने की कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की कोशिश रहती है। लेकिन जब जनता जागरूक होगी, इस तरह के संसाधनों का इस्तेमाल जो है वो करने से बचेगी, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग भी सामने आएंगे जो जिनके पास संसाधन नहीं है लेकिन नेतृत्वकारी क्षमताएँ उनके अंदर भरी पड़ी हैं, तो वो जो है आने वाले समय के अंदर स्थायी नेतृत्व हमारे जनता को दे सकती हैं।